आज का वीडियो ना देखो क्या होता है, देखो ध्यान से देखो। कल हमने देखा प्रेम गीत 2। इस फिल्म के बारे में बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि यह फिल्म आधी बकवास है और आधी ठीक ठाक है। प्रदीप पांडे चिंटू भैया के जितने भी फैन होंगे, अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यही सोच रहे होंगे कि ये साला जब जब इन पे वीडियो बनाता है ना, हमेशा बुराई ही करता है। तो भैया हम बुराई नहीं करते हैं, ये अच्छे कलाकार आ रहे हम जानते हैं। प्रेम गीत 2 का ट्रेलर रिव्यू हमने किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ भी है। आपको यहाँ से देखना है नीचे डिस्क्रिप्शन से, वहां से देख लीजिए या यहाँ से देख लीजिए। वहां पे जाके देखिए कि हम बुराई किए हैं या अच्छाई किए हैं, देखिएगा तब जाके आपको पता चलेगा। जहां तक बात करें प्रेम गीत 2 के ट्रेलर के बारे में, तो ट्रेलर भैया बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। इतने अच्छे तरीके से हम लोगों के बीच में पेश किया गया है, ऐसा लग रहा था कि जैसे फिल्म सोना होगा, लेकिन गिलट भी नहीं है। कमांडो अर्जुन जो इनका फिल्म आया था उससे तो अच्छा फिल्म ये है। प्रेम गीत 1 और 2 के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर है सोनू खत्री। सोनू खत्री जी के फिल्म में और कुछ हो या ना हो, लेकिन फाइट जरूर होता है और लोकेशन बहुत ही शानदार होता है, ये दोनों चीज भरपूर होता है, बाकी चीज होता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि चिंटू भैया की फिल्म अच्छी नहीं होती है, वो एक बहुत ही अच्छे कलाकार है, स्टाइलिश स्टार उनको कहा जाता है और आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह रहेंगे ये। इनकी पुरानी फिल्म को देखिए एक बार ध्यान से। बहुत दिन पहले इनकी एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था दुलारा। कितना अच्छा फिल्म है, जो जो भाई देखे होंगे उनको पता होगा कि कितना अच्छा फिल्म है। अभी अभी हाल फिलहाल में एक और फिल्म आया था विवाह, इतना अच्छा फिल्म है, VIP फिल्म, पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, यह फिल्म बहुत ही बढ़िया है। बात करें एक्शन के मामले में तो दुल्हन पाकिस्तान से जो 2 आया था ना, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, जी हाँ दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2, यह फिल्म बहुत ही शानदार था और ससुराल इनका ही है। ये सारी जो फिल्में है ना बहुत अच्छी है, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में आ रही है ना, मतलब कि दम नहीं है इस फिल्म में, बकवास। अगर देखा जाए इस फिल्म के स्टोरी को तो स्टोरी ढंग का नहीं है भैया, स्टोरी ढंग का नहीं है। इस स्टोरी में 2 चीज ऐसा दिखाया गया है ना जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। पहला जो शादी वाला सीन दिखाया गया ना, झूठा शादी वाला सीन जो कहानी में है ना, झूठा शादी करके ये लोग आते हैं घर, ये चीज हम लोग देख चुके हैं। खेसारी भैया की अभी अभी एक फिल्म आई थी चोरी चोरी चुपके चुपके, उसमें ये सीन था। और बात करें उल्टे फेरे के बारे में, दूसरा नंबर उल्टा फेरा शादी तोड़ने वाला रसम, वो हम लोग निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में देख चुके हैं, तो ये दोनों चीज कॉपी ही कहा जाएगा। एक बात सोचने वाली है भाई, अभी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो फिल्म बन रही है ना, उससे हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप लोग गौर किए हैं कभी, गौर कीजिएगा, अभी जितना भी फिल्म आ रहा है ना ध्यान से देखिएगा, 8 से 10 कलाकार आपको उस फिल्म में दिखेंगे और उसी कलाकार में पूरा फिल्म समाप्त भी हो जाएगा। कलाकारों की संख्या ज्यादा जा ही नहीं रही है, इतने कम कलाकार है, इससे ना और ही ज्यादा हीन लग रही है हमारी भोजपुरी फिल्म। फिल्म का नाम है प्रेम गीत, यानी कि यह फिल्म लव स्टोरी होगी, लेकिन इस लव स्टोरी फिल्म में कोई फीलिंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को नहीं देखे ना, जाके इस मूवी को देख लीजिए, आपको कहीं भी फीलिंग नहीं आने वाली है। जैसा कि इस फिल्म में एक सीन है, हीरो हीरोइन जुदा हो जाते हैं, दोनों कोई अलग हो जाते हैं, तो वहां पे दर्द होना चाहिए, जुदाई में ना एकदम से आंसू निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हीरो और हीरोइन एक्टिंग बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, इनके आंखों से आंसू भी आ रहा है, लेकिन सीन देखने के बाद आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं जागेगा। इसकी मतलब कि जो फिल्म की मिक्सिंग है, साउंड है, इफेक्ट कुछ बेहतर नहीं है, इसीलिए आपको कोई फीलिंग नहीं आने वाला है। और जहां तक लव स्टोरी फिल्म में सैड सॉन्ग के समय बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ही बड़ा हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में, तो म्यूजिक एकदम से बकवास है। ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में कोई भी चीज अच्छा नहीं है, अच्छा है, 3-4 चीज ऐसा है जो बहुत ही अच्छा है। पहला एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, जो चिंटू भैया की एक्टिंग है और हीरोइन की एक्टिंग है बहुत ही बेहतरीन है, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत लुक लग रहा है, जो चिंटू भैया का लुक है ना बहुत ही मस्त है, और हीरोइन तो भाई किसी से कम नहीं है। उनकी मासूमियत, खूबसूरती, बोलने का तरीका, नटखट बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस फिल्म में फाइट एक ही जगह है, लेकिन फाइट बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही तगड़ा वाला फाइट है,
लेकिन जो फाइट है ना उसमें साउंड का दिक्कत है, अगर साउंड उसके हिसाब से होता ना तो बॉलीवुड और भोजपुरी दोनों बराबर के हो जाते फाइट के मामले में। सोनू कतरी के फिल्म में हम पहले ही बोले हैं कि और कुछ हो या ना हो फाइट लोकेशन बहुत ही अच्छा होता है, तो यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छा है। जो सॉन्ग है ना सॉन्ग से बेहतर पता है उनके ड्रेस, जो कलाकार है उनके ड्रेस और जिस जगह पर शूट हुआ है वो जगह बहुत ही अच्छी अच्छी जगह और अच्छी अच्छी ड्रेस इनके फिल्मों में मिलता है। ये सारी चीज बहुत ही खूबसूरत है इस फिल्म में। इस फिल्म को मेरे तरफ से 5 नंबर में से केवल 2 ही नंबर मिलेंगे, वो इसलिए, पहला नंबर इसलिए कि हीरो और हीरोइन की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, दोनों की मासूमियत, चेहरे का लुक बहुत ही प्यारा है, और दूसरा फाइट अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, सॉन्ग में जो ड्रेस दिखाया गया है ना ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। ये दोनों चीज़ें के लिए 2 नंबर, बाकी चीज़ तो बकवास है, तो 3 नंबर माइनस। बाकी आप सब क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में, आप लोगों को कैसा लगा यह फिल्म कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट खुला हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कोई भी चीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो देखते हो चले जाते हो तो कर लो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।